नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज रक्षा मंत्रालय की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है और किस प्रकार से भारतीय सेना के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरे 200 की संख्या में खूंखार हथियार बनाए जा रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। दरअसल LAC पर चीन और LOC पर पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए और स्पेशली तौर पर पहाड़ी इलाकों में पाकिस्तान और चीन से मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना को हल्के टैंकों की आवश्यकता है और इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत सरकार के द्वारा K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल होवेजर को बनाने की मंजूरी दे दी गई है। और दोस्तों, यह जो पूरी योजना है वो 9600 करोड़ की है, जिसके तहत भारतीय सेना को 200 की संख्या में K9 वज्र होवेजर मिलेंगे और दोस्तों इनकी जो आपूर्ति है वो 2028 तक पूरी कर दी जाएगी और 50-50 की शिफ्ट में भारतीय सेना को लगातार K9 वज्र मिलते जाएंगे। और दोस्तों, यह जो ऑर्डर है वो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत एक भारतीय कंपनी लालसंस और टर्बो को दिया गया है, क्योंकि दोस्तों यह जो K9 वज्र है वो एक साउथ कोरियन होवेजर है और इसको भारत के लालसंस और टर्बो की साझेदारी के साथ भारत में ही मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाया जाएगा और पहले से ही भारतीय सेना 90 की संख्या में K9 वज्र होवेजर का उपयोग करती है और स्पेशली तौर पर चीनी सेना का पहाड़ी इलाकों में मुकाबला करने के लिए K9 वज्र बहुत ही काबिल हथियार साबित हो सकता है। इसलिए भारत सरकार 200 की संख्या में K9 वज्र को बनाने का ऑर्डर दे चुकी है। दोस्तों, इसकी अगर हम खासियतों की बात करें तो इसमें एक 1000 हॉर्स पावर का दमदार इंजन है जो कि इसको 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड देता है। साथ ही इसमें 155 मिलीमीटर की एक तोप लगी हुई है जो कि दुश्मन देश के टैंकों को उड़ा सकती है। इसके अलावा यह पहाड़ी इलाकों में लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और इसके अलावा जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है वो यह है कि इसका गोला लगभग 50 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के किसी भी बंकर के परखच्चे उड़ाने में सक्षम है, इसलिए K9 वज्र को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। खैर दोस्तों, आप सभी किस टॉपिक पर क्या राय है और क्या भारत को 200 ही K9 वज्र बनानी चाहिए या फिर और ज्यादा संख्या में K9 वज्र बनानी चाहिए, कमेंट बॉक्स में फिर आवेदन दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।